ऑल राइट, वंस अगेन यू आर वॉचिंग एमजीएस वीडियोस एंड मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या हाल चाल है भाई सबके? बता दो अगर आवाज आ रही है सही से तो, ताकि शुरू करें आज की क्विज को। जूलॉजी है, जिसको हार्ड लगती है वो थोड़ा सोच के आंसर दे। ओके, इसका मतलब आवाज आ रही है सभी को, सब ओके है? ओके, वेलकम मीनाक्षी, मोहित, अच्छा मैं तो बुद्धू हुई है, प्रेरणा, गीतांजलि, मुस्कान, ओके। सो सब कुछ ठीक है तो शुरू करें हम आज की क्विज को। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज की क्विज के कुछ रूल बता देता हूं, जैसे कि हमारे हमेशा के क्विज के रूल रहते हैं वैसे ही आज की क्विज का भी रूल है। यह है आज की क्विज का रूल, हमेशा की ही तरह, कि आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर सीधा टाइप नहीं करना है, आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन के आंसर को, लैग कर रहा है वीडियो है ना, ऐसा लग रहा है, तो जो हमें पता ही है कि सिस्टम क्या है आंसर करने का, सिस्टम यह है कि जो भी बच्चा आंसर करेगा उसको सबसे पहले ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट में क्वेश्चन को, ओके, उसके बाद में आंसर करना है ए बी सी या डी, तो यही रहेगी सीरीज, बच्चों को पहले से पता है, तो जो नया है उसको मैं बता रहा हूं फिर से एक बार कि ध्यान रखें इन चीजों का, भूले नहीं। से चले तो देखते हैं, चलना तो चाहिए इतने में भी, ये लाइव है ना, अभी यहाँ पे लाइव है। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लाइव में प्रॉब्लम आ गया था, वो तो इसलिए तो इसमें से जोड़ा, आप देखते हैं क्या होता है, चलेगा तो यहीं चल जाएगा, 36 आ रहा ना। ओके, सो सब कुछ रेडी है तो स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन, कई देर हो गई यार, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, हो जाए स्टार्ट जल्दी से,
क्वेश्चन के मेथड आपको पता ही है कि आपको जो क्वेश्चन है उसको रखना है ब्रैकेट में और डैश लगा के लगाना है सी बी डी या ए। ओके, तो ये रहेगा सीरीज आपके सामने क्वेश्चन को आंसर करने की। और इसी के साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आप करें वो सबसे फास्ट करें। ओके, तो सबसे पहले आंसर करेगा उसके आंसर सही काउंट होगा, उसके बाद में काउंट किसी और का नहीं होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने आ रहा है, हो जाए स्टार्ट, ब्रैकेट लगा के रेडी। सो हियर क्वेश्चन नंबर वन इज ऑन योर स्क्रीन। इसमें यार ये नहीं आ रहा ना बीबी, ऐसा कैसे हुआ? ओके, सो लग रहा है कि अभी सब ठीक है, तो मुझे तो वीडियो लैग होता हुआ ऐसा लग रहा।
तो बहुत ही सही आंसर दिया है किसने सबसे पहले, देख लेते हैं आज इस यूट्यूब के क्या हो गया है, मैं तो समझ से बाहर है। ओके सो आई थिंक अब थोड़ा सा ओके है। सो क्वेश्चन नंबर टू आ रहा है आपके सामने ऑन योर स्क्रीन, सो जल्दी से करते हैं स्टार्ट एंड ब्रैकेट लगा के हो जाए रेडी। डालते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर था ए, और ए किसने दिया सबसे पहले सही है, अमेजिंग बायोग्लास का भी सही है, निपुण का भी सही है, गीतांजलि का भी सही है, मीनाक्षी का भी सही है, हिमानी का भी सही है, प्रेरणा, मुस्कान, सभी का सही है। ओके तो क्वेश्चन नंबर टू, सो क्वेश्चन नंबर टू का भी टाइम हो चुका है आप, एंड फाइनली हम देखते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर टू का सही आंसर किसने दिया है। तो अभी हमें पता लगने वाला है क्वेश्चन नंबर टू का सबसे पहले करेक्ट आंसर क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो ये है करेक्ट आंसर हमारे सामने क्वेश्चन टू का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दो का ए हमें सबसे पहले दिया है यहाँ पर गीतांजलि ने, वेरी गुड गीतांजलि। उसके बाद में दिया गया है अमेजिंग बायो के द्वारा, फिर भावना जोशी ने भी सही दिया है, वेरी गुड। प्रेरणा का भी सही है, ज्योति का भी सही है, मुस्कान का भी सही है। ओके सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। सो हियर ब्रैकेट लगा के हो जाइए रेडी, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ रहा है आपके सामने हियर। देखते हैं कौन देता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सबसे पहले सही।
थर्ड के आंसर्स आ चुके हैं हमारे पास में। सो फाइनली टाइम भी हो चुका है अप एंड थर्ड का सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है हमें भावना ने। वेरी गुड भावना। बी है क्या पहले ये जान लेते हैं। किंगडम इज द करेक्ट आंसर, बी ही सही आंसर है। और हमारे पास में क्वेश्चन थर्ड का सबसे पहले देने वाली है भावना, उसके बाद में है अमेजिंग, उसके बाद में गीतांजलि, उसके बाद में प्रेरणा, फिर हिमानी का भी सही है। हिमानी ब्रैकेट लगा के करना है आंसर को, क्वेश्चन नंबर को लगाइए ब्रैकेट में, फिर कर दीजिए आंसर। उसके बाद में किया है मुस्कान ने, फिर मीनाक्षी का भी सही है, ज्योति का भी सही है और निपुण का भी सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ रहा है आपके सामने, हो जाइए रेडी। मैं खुद भी यह चेक कर रहा हूं कि वीडियो जो है वो सही चल पा रहा है या नहीं। सो टाइम हो चुका है आप। सो फाइनली हम देखते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सबसे पहले और सही आंसर किसने दिया है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सही आंसर क्या है। ओके ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के सही आंसर आ चुके हैं एंड हम जानते हैं कि हमारे पास में इसका सही आंसर है डी। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी इज द करेक्ट आंसर एंड डी हमें सबसे पहले किसने दिया है, यहां पर डी दिया है अमेजिंग ने, सॉरी फोर्थ। फाइनली क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर क्या है, किसने दिया है सबसे पहले हमें सही, और सही क्या है इसका हम देख लेते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर फाइव का ए सबसे सही और सबसे फास्ट दिया है गीतांजलि ने, तो ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स, जल्दी से हो जाइए रेडी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये क्या हो गया है, किसी ने देखा तो नहीं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में नकल कर ली है बच्चों ने, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से बच्चों को पहले आंसर पता लग चुका है। तो सिक्स्थ का जो होता है वो जल्दी से जल्दी जल्दी भेज रहे हैं, बिल्कुल हाँ हाँ मुझे पता है, और क्वेश्चन हो सकता है आसान भी है तो बच्चों को लग रहा है कि हाँ बिल्कुल हमारा आंसर भी सही है। ओके सो सबने देखा पता ही था मुझे। सो टाइम हो चुका है अब क्वेश्चन नंबर सिक्स का है टाइम अप एंड फाइनली हम जानते हैं करेक्ट आंसर पहले से इसका, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पहले आंसर देख लिया था। ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर सेवन आ रहा है आपके सामने, हो जाइए रेडी। हाँ जी, तो इसका दीजिए आंसर तब मुझे पता लगेगा कि हाँ सही है या नहीं।
आज इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी मेरे लगता है गड़बड़ चल रही है, इसलिए जो स्ट्रीमिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। सेवंथ का टाइम हो चुका है आप एंड फाइनली हमारे पास में आंसर्स भी आ चुके हैं। तो सेवंथ का क्या आंसर सही है सबसे पहले ये देख लेते हैं। सेवंथ का सही आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर एंड सेवंथ का सी सबसे पहले दिया है भावना ने। वेरी गुड भावना। उसके बाद में गीतांजलि, निपुण, प्रेरणा, वेरी गुड। हिमानी का भी सही है, मीनाक्षी एंड मुस्कान का भी सही है। वो क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात कर रहा है, छठे नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर एट आ रहा है आपके सामने, हो जाइए रेडी। गलती से देख लिया, क्या किया वहां पे, उसको गड़बड़ कर लिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स का मैं आंसर क्लिक कर रहा था। क्वेश्चन नंबर एट का भी टाइम हो चुका है आप और अब हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर एट का हमें सबसे पहले सही आंसर किसने दिया है। सबसे अधिक रूपात्मक विविधता वाली प्रजाति है ये बताना है। सो एट के आंसर हमारे पास में आए हैं जिसमें सबसे पहले करेक्ट आंसर क्या है इसका ये जान लेते हैं। बी डॉग इज द करेक्ट आंसर। तो बी हमें सबसे पहले करेक्ट आंसर किसने दिया है, गीतांजलि ने। वेरी गुड गीतांजलि, जो सबसे पहले दिया है वो ही सही है। सो क्वेश्चन नंबर नाइन ऑन स्क्रीन इज हियर। सो क्वेश्चन नंबर नाइन का भी टाइम हो चुका है अब एंड देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर नाइन का सबसे पहले करेक्ट आंसर किसने दिया है। सो नाइन्थ का करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास में, फिश। आप इक्थियोलॉजी का स्टडी करते हैं तो आप किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, फिश का अध्ययन कर रहे हैं, मछली का अध्ययन कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका मछली। तो मछली हमें सबसे पहले सही आंसर किसने बताया है, करीब 1 मिनट का डिले चल रहा है, मैं देख पा रहा हूं कि 1 मिनट डिले चल रहा है आपके ऑप्शन के आंसर से। क्यों नहीं रहा है
आगे क्वेश्चन अच्छा है जो आपको दिखाना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है फिश। तो हमें फिश सबसे पहले किसने बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में? 9th का सी दिया है निपुण ने, जो कि गलत है। 9th का सी गलत है, 9th का डी भी गलत है, 9th का बी ही सही है। तो जिसने बी दिया है वो करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन इज हियर। Faster encoding preset. वीडियो ऑफलाइन नहीं जाएगा बच्चों, जुड़े रहना साथ में ही, क्योंकि वीडियो ऑन है। ये इंटरनेट की वजह से बीच में कभी कभी डिप कर रहा है, तो मैं ऑनलाइन ही हूं। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना। ओके, सो अब बढ़िया चल रहा है, ऐसा नजर में आ रहा है फाइनली। तो अब करते हैं इसको कंटिन्यू। फाइनली इसका आंसर बताता हूं मैं आपको, सबसे पहले क्या है? डी, पैरामीसियम इज द करेक्ट आंसर। डी किसने दिया मैं सबसे पहले करेक्ट आंसर? तो फाइनली मैं बता देता हूं कि डी करेक्ट आंसर है। सबसे पहले 10th का डी है अमेजिंग का, उसके बाद में है हमारे पास में मीनाक्षी का भी सही है, प्रेरणा का भी सही है। ओके, सो पैरामीशियम ही है, पैरामीशियम ही है यह वीडियो क्या है, पैरामीशियम ही है। ओके, सो फाइनली चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से कर दो क्योंकि कमेंट आपके आंसर, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मेरी थोड़ी स्पीड थोड़ी अच्छी आ चुकी है, पता नहीं कैसे हुआ है लेकिन हो गया है ये चमत्कार। ओके, सो अब थोड़ा चल रही है गाड़ी पटरी के ऊपर एकदम सही। चलो भाई 20 सेकंड बचे हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास में आंसर्स दिख चुके हैं एकदम सही से। खुशी का ठिकाना नहीं है मोहित सर का, और मोहित सर की खुशी को देखते हुए बच्चे भी खुश हो रहे हैं और जलने वाले जल रहे हैं। टाइम हो चुका है आप, एंड फाइनली वी नो द करेक्ट आंसर इज मेथ्रोटोंडी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, विटामिन ए की कमी से होता है। बिल्कुल सही आंसर क्या है, विटामिन ए, ए इज द करेक्ट आंसर। सो चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर रुकिए, पहले बता देता हूं आपको कि इसका करेक्ट आंसर किसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 11th का ए सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है निपुण ने, फिर भावना जोशी का भी सही है, अमेजिंग बायोग्लास का भी सही है, उसके बाद में हिमानी का भी सही है, लगभग सभी का सही है। ओके, सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 12, मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी है। सो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। ये तो कुछ ज्यादा स्पीड में चल रहा है यार।
कभी तो चलता ही नहीं, और कभी ऐसा चल रहा है कि यहाँ बोल रहा हूँ यहाँ आंसर आ रहा है। कमाल है, कहते ना ऊपर वाला देता है तब सब कुछ फाड़ देता है। ये क्या हो गया? ओ मेरे भाई क्या बात है, सब कुछ फाड़ दिया क्या? ओके सो लगता है वापस से आ गया है। और मैं भी वापस आ गया हूँ, लेकिन बच्चे लगता है कहीं इधर उधर खाना खाने लग गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो गया है। मैं सॉरी चाहूँगा बच्चों बहुत ज़्यादा, बिकॉज इंटरनेट अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है, शायद बाकी बच्चे खाना खाने चले गए इसलिए थोड़ा नेट। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो मेरे साथ में। इसका करेक्ट आंसर था, अरे रुको भाई इतनी तेज क्यों भाग रहा है? तो 12 का ए दिया है सबसे पहले करेक्ट आंसर निपुण ने, वेरी गुड निपुण। उसके बाद में भावना का भी सही है, अमेजिंग का भी सही है, प्रेरणा का भी सही है, मीनाक्षी, हिमानी एंड मुस्कान। ओके सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 13 ऑन स्क्रीन है। चल रहा है चल रहा है, लेकिन बच्चे भी चल गए हैं। अरे भाई अभी तक हो यहीं पे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे तो क्यों तीन शो कर रहा है फिर ये यूट्यूब? यू आर हाइडिंग माई स्टूडेंट्स फ्रॉम मी बट यू कांट हाइड। सो टाइम होने वाला है इसका, अब 12 सेकंड बचे हैं। चल जा भाई चल जा। सो तेरा का टाइम हो चुका है अब, एंड करेक्ट आंसर क्या है इसका देख लेते हैं। ये रहा इंक्रीज्ड हाइट, पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर सिक्रेशन ज्यादा होता है तो लंबाई बढ़ जाती है। ओके लंबाई बढ़ जाती है। 13 का ए किसने दिया है सही आंसर? अमेजिंग ने सही दिया है, फिर निपुण का भी सही है, भावना का भी सही है, और बाकी किसी का सही नहीं है, हिमानी का भी सही है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है आपके सामने, जल्दी से हो जाइए ब्रैकेट लगाकर रेडी। 25 क्वेश्चन होंगे ओके ना? तोड़ता ही जा रहा है नेट यार, कंट्रोल में नहीं है मेरे खुद के। Thank you.
14 में काफ़ी टाइम बचा है, लेकिन अभी भी हमारे पास मैंसर्स आ चुके हैं. वेरी वेरी गुड, दिस थिंग इज वेरी गुड. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बीच में ही बैठा हूं. हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 14 का भी टाइम हो चुका है अब, एंड हमारे पास में आंसर्स भी आ चुके हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है? सी, दे आर गाइडेड बाय अल्ट्रासोनिक साउंड. तो भाई जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ ने वैसे भी बहुत परेशान कर रखा है पूरी दुनिया को अभी, तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो होती है या अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है उनकी मदद से ट्रेवल करते हैं, हवा में उड़ते घूमते रहते हैं. सो प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में अभी तक, क्या मेरे वाले फोन में तो नहीं आई, मैंने देखा. ओके सो देखते हैं हम अगर प्रॉब्लम आती है दोबारा से. तो 14 का सी आया है करेक्ट आंसर. किसने दिया है 14 का सी सबसे पहले? भावना जोशी, वेरी गुड. फिर निपुण का भी सही है, अमेजिंग का भी सही है, हिमानी एंड मुस्कान प्रेरणा. ओके फाइनली क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन इज हियर. देखता हूं ऑफलाइन हो रहा है क्या. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. टाइफाइड में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? क्योंकि टाइफाइड जो होता है वो एक्चुअली में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है. हिमानी के लिए ऑफलाइन हो गया है, मेरे चल रहा है अभी तक, मेरे पास में दूसरा फ़ोन है. आ रहा है अभी तक, यहाँ पे आ रहा है. कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो मुझे. पंद्रह सेकंड बचे हैं और आंसर्स भी आ चुके हैं. भावना ने कहा है सी, निपुण कह रहा है सी, अमेजिंग बाय क्लास कह रही है बी, प्रेरणा कह रही है सी, मुस्कान कह रही है सी, मीनाक्षी कह रही है सी, अमेजिंग कह रहा है सी. फाइनली टाइम हो चुका है अब, एंड क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है इंटेस्टाइन जो होती है, आंतें जो होती है, पेट जो होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है इसमें. तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी करेक्ट आंसर है, और सबसे पहले दिया है भावना ने. वेरी गुड भावना. इसके बाद में निपुण ने दिया है, उसके बाद में प्रेरणा का भी सही है, मुस्कान एंड मीनाक्षी, और फिर अमेजिंग का भी सही है. क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन इज हियर. अच्छा क्वेश्चन है. यंग नेम निम्फ किसको कहते हैं? युवा अवस्था में यंग, जैसे लड़के का ना लड़का, आदमी को युवा अवस्था में क्या कहते हैं? लड़का. तो वैसे ही बताना है इनमें से किसको यंग अवस्था में निम्फ कहते हैं. अरे नहीं, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, बाल थोड़े गंदे लग रहे हैं. बाल तो है ही नहीं, लेकिन बस ठीक है. हमारे पास में आंसर्स भी आ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा अभी आपको पता लग जाएगा, लेकिन जो बच्चों ने दिया वो मैं आंसर आपको बता देता हूं. आप भी देख ही रहे हैं. भावना कह रही है डी, अमेजिंग कह रहा है सी, मीनाक्षी कह रही है डी, निपुण कह रही है डी, मुस्कान कह रहा है डी, एंड हिमानी प्रेरणा का भी डी. सो टाइम हो चुका है अब. करेक्ट आंसर क्या है इसका? क्रॉकरोच इज द करेक्ट आंसर. एंड 16 का डी सबसे पहले सही किसने दिया है हम देख लेते हैं. भावना, वेरी गुड भावना. इसके बाद में मीनाक्षी, उसके बाद निपुण, अरे वाह, बाद में सभी का सही है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने हेयर. बताइए भाई, अच्छा क्वेश्चन है. काफ़ी सारे आंसर्स हमारे पास में आ चुके हैं, एंड 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. और कई बच्चों को लगता है कि ये देखने के बाद में ऐसा लगेगा कि
ऐसा भी होता है सच में? सो टाइम हो चुका है अप एंड फाइनली करेक्ट आंसर क्या है इसका? 17 का करेक्ट आंसर है ए, अमीबा ईटिंग पैरामीशियम। अमीबा जो है वो पैरामीशियम को खा रहा है, अमीबा ने पैरामीशियम को पकड़ लिया है। ओके सो हमारे पास में 17 का ए किसने दिया है ये देखते हैं हम, कौन है इंटेलिजेंट? वो निपुण, और वेरी गुड। फिर प्रेरणा का भी सही है, मीनाक्षी का भी सही है, और मुस्कान का भी सही है। सर वीडियो में क्या लिखा है? वीडियो में लिखा है लंच टाइम फॉर एन अमीबा। अमीबा के लिए ये लंच टाइम है, अमीबा लंच टाइम कर रहा है, लंच टाइम में लंच खा रहा है, और लंच क्या है अमीबा का? पैरामीशियम। सो क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन इज हियर। इनमें से कौन सी ऐसी प्रजाति है जो 2003 के बाद में नहीं दिखाई दी और 2019 में इस प्रजाति को क्या घोषित कर दिया गया है? एक्सटिंक्ट, मतलब लुप्त। बचे हैं 17 सेकेंड। मैं सिर्फ आपसे 4 सेकेंड दूर चल रहा हूँ, पहले जहाँ हम 1 मिनट दूर थे अब हम सिर्फ 4 सेकेंड दूर हैं। ओके तो 4 सेकेंड वाला कोई इशू नहीं है। सो फाइनली टाइम हो चुका है अप एंड करेक्ट आंसर क्या है इसका? चाइनीज पैडल फिश इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 का ए किसने दिया है? भावना जोशी, वेरी गुड भावना, यू आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। एंड प्रेरणा का भी सही है, वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 19 और योर स्क्रीन इज हियर। दिल का पेसमेकर कई बच्चों को पता होता है लेकिन हो सकता है कईयों को ना पता हो। ऐसे चलता है तो अच्छा लगता है। टोन आ रही है क्या? टाइम बच जाता है तो हम टोन भी सुन लेते हैं। टाइम बचता है तो उसका यूज करें, ब्रैकेट लगा के अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहें। ओके वैसे भी आप लगा लेते हो मुझे पता है, यू आर ऑल्सो वेरी जीनियस। सो टाइम हो चुका है अप एंड क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है? एसए नोड। एसए नोड जो होता है हार्ट के अंदर ही होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? पेसमेकर ऑफ हार्ट। ओके सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर सबसे पहले एक किसने दिया है हम देख लेते हैं। अमेजिंग ने, वेरी गुड अमेजिंग। फिर भावना ने भी सही दिया है, निपुण का भी सही है, हिमानी का भी सही है, मीनाक्षी का भी सही है, मुस्कान का भी सही है, प्रेरणा का भी सही है, वेरी वेरी गुड सही है। ओके क्वेश्चन नंबर 20 हियर। कुछ मिस्टेक्स थी जो मुझे इस लाइव के अंदर सही करने को मिल गई और मैंने वो मिस्टेक्स सही की, तो मुझे सडन बीच ही बीच में एक नई चीज़ भी पता लगी आज जिससे ये इशू हो रहा था। आई प्रॉमिस कि आगे वाले टाइम से ऐसा इशू नहीं होगा, क्योंकि एक जो छोटी सी एक सेटिंग थी, वो सेटिंग जो थी वो छोटी सी नहीं की हुई थी, या कह सकते हैं कि कुछ हाई रेट पे थी वो, तो इतना हाई जाना नहीं था इसको, लेकिन वो इतना हाई जा रहा था तो वो थोड़ा सा क्या हुआ, अब सेट हो चुका है ना, इसलिए क्या है कि अब ये वीडियो ठीक चल रहा है। इतना ऐसे चले तो ओके लगता है, अच्छा लगता है। ओके सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 20 का टाइम हो चुका है अप एंड करेक्ट आंसर क्या है इसका?
एरिस्टोटल इज द करेक्ट आंसर। तो एरिस्टोटल हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20 का बी हमें सबसे पहले किसने दिया है, भावना ने। वेरी गुड भावना। एंड उसके बाद में प्रेरणा का भी सही है, अमेजिंग। बायो का भी सही है, हिमानी निपुण। वेरी गुड। सो मुस्कान का भी सही है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है आपके सामने। बच्चों जल्दी आंसर करना पड़ेगा आपको अगर जीतना है तो। जल्दी से आंसर कर दो फिर मैं मेरी बकवास आपके सामने लेकर पेश होता हूं। ओह माय गॉड, 1 घंटा 4 मिनट हो गए हैं आज हमें। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं है। तो लाइव क्विज कैंसिल नहीं हुआ, थोड़ा पोस्टपोन हो गया, थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन देर हुई कैंसिल नहीं हुआ। आई एम हैप्पी नाउ, इट्स गुड। सो टाइम हो चुका है अप एंड 21 का करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास में, बी अर्थवर्म इज द करेक्ट आंसर। सो 21 का बी हमें सबसे पहले किसने दिया है, निपुण ने। वेरी गुड निपुण। भावना का भी सही है, मीनाक्षी, और इसके बाद में प्रेरणा एंड मुस्कान का भी सही है। वेरी गुड स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 आ रहा है आपके सामने यहाँ पे। कुछ बच्चे हो चुके हैं यहाँ से गायब क्योंकि गलती मेरी है। कन्फ्यूज मत होना, क्वेश्चन सोच के लिखा था, सोच के बनाया है और अच्छा क्वेश्चन है। बचे हैं 20 सेकेंड। फाइनली टाइम हो चुका है अप एंड करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी एस्टिवेशन इज द करेक्ट आंसर। हाइबरनेशन जो होता है वो सर्दियों में करते हैं एनिमल्स, गर्मियों में क्या करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं। ओके तो करेक्ट आंसर किसने दिया है इसका, 22 का हमें बी सबसे पहले, भावना जोशी। वेरी गुड भावना। बायो अच्छी है भावना की, प्रेरणा की भी अच्छी है। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, आपने अच्छे से पढ़ा है। एंड क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है आपके सामने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर्स भी आ चुके हैं, जिसमें नाभिक नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, वो बताना है। आय हाय क्या बात है, सभी बी 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 लग गए। पता है, सही पता है। फाइनली टाइम अप एंड करेक्ट आंसर जो आपने कहा है वही है, बी इज द करेक्ट आंसर। प्लेट्स जो होती है ब्लड में जो आपके थक्का जमाने का काम करती है वही करेक्ट आंसर है। ओके सो एक वो जो हमारे पास में क्वेश्चन था ना पीछे वाला, चाइनीज फिश जो थी वो एक्चुअली में फ्रेश वाटर की वन ऑफ द बिगेस्ट साइज में, करीब वो 3 मीटर की है, वन ऑफ द बिगेस्ट फिश थी फ्रेश वाटर की, जो कि लुप्त हो गई 2003 के बाद में देखा नहीं गया, और फिर उसे 2019 के अंदर रिसेंटली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है आपके सामने,
बच्चों वीडियो की क्वालिटी ठीक है ना, मतलब लास्ट में पूछ रहा हूँ, सॉरी चाहूँगा, लेकिन मतलब क्वेश्चन पढ़ने में आ रहे हैं, इजीली दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ? तो बता देना मेरे को अगर कुछ साइज छोटा है या साइज थोड़ा बड़ा करें या क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने फ़ोन के अंदर जो साइड में तीन डॉट आ रहे हैं ना उससे वीडियो क्वालिटी जो है वो 480p पे कर लो, ओके, वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। बचे हैं 10 सेकेंड। क्या बात है, 24 का भी लगभग सभी बच्चों ने ए ही आंसर दिया है, लेकिन सबसे पहले आंसर दिया है भावना ने। वेरी गुड भावना, करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल वही है। टूथ एनेमल जो होता है, दांत के ऊपर की जो लेयर होती है टूथ एनेमल, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर उसके बाद में बता देता हूँ, अमेजिंग ने दिया है, फिर गीतांजलि, फिर मीनाक्षी, प्रेरणा, निपुण, हिमानी एंड मुस्कान। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, और देखते हैं हमें इससे सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन का जाते जाते सबसे पहले सही आंसर कौन देता है। हो जाइए रेडी, येरा। ट्वेंटी फाइव में बाजी मारी है भावना ने, वेरी गुड भावना। उसके बाद में निपुण ने बाजी मारी है, फिर अमेजिंग ने, फिर गीतांजलि ने, फिर मुस्कान ने, फिर मीनाक्षी ने, प्रेरणा ने, हिमानी ने। और दो मिनट रुकना, मैं इसके बारे में 2 मिनट और बात कर लूँगा आपसे, इस क्वेश्चन का टाइम पूरा हो जाए। आपसे कभी मुलाकात होती है, लेकिन जो भी हो रही है उसमें क्यों ना हम 2 मिनट और गुजार लें साथ में। फाइनली क्वेश्चन नंबर 25 का सी ही करेक्ट आंसर था, है। अब ये जो आपके सामने है, कह सकते हैं इसे कि ये एक हमारा पैरट है, पहले कौवा था अब पैरट है, धीरे धीरे सभी जो जूलॉजी के एनिमल्स है वो आते रहेंगे। और जो लाइन लिखी हुई है वो आपको दिखाई भी दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि थोड़ी सी कट हो रही है, तो वो जो थोड़ी सी कट हो रही है उसको मैं उड़ा दूं आप कहो तो। ये लीजिए, सो अब आपको बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा है। अब आपसे बात करनी है कि हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जो आज इस क्विज में नहीं हैं, उन्हें थोड़ा सा इतू सा मोटिवेट करना है, सिर्फ इसीलिए कि वो भी क्विज में पार्टिसिपेट करें। और जो हमारा टारगेट है कि हम उन हम उस बच्चे को स्टूडेंट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्विज इजीली, तो ज़रूरत है हमें आपस में जुड़ने की। और जुड़ने में भी संख्या कम नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100 की लड़ाई नहीं है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा संख्या में सैनिक चाहिए, और तभी इस लड़ाई में हम जीत पाएंगे। और अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी वैसी ही होगी, और उस प्रिपरेशन को हम और आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर दिखाएंगे। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, उन्हें हम इसी मेथड से पढ़ाएंगे और हेल्प करेंगे उनकी। और आप यकीन मानिए कि चेंज आएगा, हमने सोचा है तो ज़रूर चेंज आएगा।
ओके सो अब खाना खा सकते हैं आप भी और खाना खा सकता हूँ मैं भी। मिलते हैं अगले क्विज में बहुत जल्द रखेंगे। मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े रहिए, मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, और जो भी आपकी क्वेरी हो, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो या आपको कोई भी बात करनी हो पढ़ाई से रिलेटेड, सर खाना खाया क्या, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड आफ्टरनून, सर गुड इवनिंग, ये सब नहीं, तो जो भी काम की बात हो, पढ़ाई की बात हो, वो आप मुझसे कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। डिस्कस करेंगे हम आपस में क्या चेंज ला सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। आज वाला जो नेटवर्क इशू था, नो डाउट मैं इस नेटवर्क इशू को दूर करने के लिए थोड़ा बीच में ही लग गया और फिर मैंने इस चीज़ को दूर किया, एंड पता नहीं क्यों ये अभी वापस से उलझ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हम मिलेंगे फिर से एक बार अगले क्विज में। अपडेट के लिए व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए और उसी ग्रुप में हम आपसे जुड़कर बातचीत करेंगे। सो मिलते हैं अगले क्विज में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आप सबकी। बंद कैसे होता है भाई?